पेपर सीजर मोसे के थैंक यू सो मच चैनल में सब्सक्राइब करने वाला Hey, hello, and what's up my YouTube family, and welcome back to the channel. तो जो मेरा आज का वीडियो होने वाला है बाकी वीडियो से थोड़ा हटके है, अलग से है, because आज मैं और मेरा childhood friend संग में collaboration कर रहे हैं, and for that, right now we're heading to our Pokhara International Museum. So, वीडियो में बने रहिए. फ्रेंड्स फाइनली हम आगे इंटरनेशनल पोखरा म्यूजियम एंड विथ मी वन ऑफ माय चाइल्डहुड फ्रेंड अजीत यो मैन सो हाय एवरीवन है सो ये व्यूज यहां पे बहुत सारे मतलब हर कोने से आते हैं लोग यू कैन सी द फॉरेनर्स पीपल्स भी यहां पे आ रहे हैं प्लस आई जनता तो अपनी है नेपाल से बिलोंग कर रहे हो डेफिनेटली बिफोर 10 इयर्स यहां पे आया था तो इस टाइम में ऐसा नहीं था ना वो वेरी डेवलप हो चुका है साथ में जगह तो डेवलप हो चुकी है साथ में लोग भी बहुत डेवलप हो चुके हैं मीन्स बहुत दूर दूर से लोग इधर आ रहे हैं एंड विजिट कर रहे हैं सो डेफिनेटली व्हेन यू आर इन पोखरा सो इस जगह को विजिट करना ना भूले बिकॉज राइट नाउ आई एम वेयरिंग अ कैप बहुत धूप है इधर एंड मेरा फ्रेंड अपना कैप लाना भूल गया सो अपने हाथ यूज़ कर रहा है वो फ्रेंड की वीडियो के चक्कर में हम यहाँ पे टिकट काटना ही भूल गए सो बैक टू द काउंटर एंड दो टिकट ले लिए मेरे फ्रेंड ने दैट्स ग्रेट सो इसके साथ हम कहीं भी घूम सकते हैं पूरे म्यूजियम के अंदर सो बातों में बताना भूल गया कि जो अपना ये भाई है इसका भी अपना यूट्यूब चैनल है एंड कुछ बताना चाहेंगे तो गाइस सभी को नेपाल में स्वागत है और मेरे दोस्त को भी स्वागत है सो हम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मीटअप हो रहा है आज हमारा सो उसने भी यूट्यूब चैनल खोल रखा था मेरा भी यूट्यूब चैनल था सो हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना अभी एक कोलैबोरेशन समय एक कोलैबोरेशन कर लेते हैं और मेरे व्यूअर्स को और मेरे दोस्त के व्यूअर्स हम दोनों के व्यूअर्स लोगों को भी कोलैबोरेशन करा देते सो आज हमारा से हम म्यूजियम आए सो हम दोनों ने मिल के एक गेम सरप्राइज गेम तैयार किया है आप लोगों के लिए होपफुली आप लोगों को अच्छा लगे सो नेपाल का व्यू देखना हो इंडिया का व्यू देखना हो दोनों के चैनल को सब्सक्राइब कर लो है ना तो मेरा फ्रेंड का चैनल का नाम है तो कांसा रॉक्स फ्रेंड्स जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि ये दो नमूने क्या करने वाले हैं मैं आपको बताऊंगा क्या करने वाले फिलहाल हमने कल रात को जैसे हम मुझे टाइम था नहीं था तो इससे मैं इतना अच्छे से मिल नहीं पाया तो हमने सोचा क्यों ना कि इतने सालों बाद मिल रहे हैं तो कुछ अलग से क्यों ना कर दे क्योंकि फन किया जाए फन किया जाए ताकि इसको भी याद रहेगा और मुझे भी याद रहे और आपको भी याद रहे कि हमने कोलैब भी किया था बोलकर सो आज का जो प्रैंक क्या होने वाला है कि मतलब हम अभी इंटरनेशनल म्यूजियम में परफेक्ट प्लेस में आ रखे यहाँ आके क्या करना है कि हम किसी स्ट्रेंजर को या किसी रैंडम पर्सन को जाके अप्रोच करेंगे एंड विल आस्क फॉर देम टू प्लीज कैन यू टेक आवर फोटो यानी कि वो समझेगी हमारा फोटो खींचने के लिए तो आगे क्या होगा मतलब बताएगा मेरा दोस्त आगे ये होगा कि हम बेसिकली क्या बोलते हैं रिएक्शन बेसिकली हम रिएक्शन चाहते हैं वहाँ के सो आप लोग भी रिएक्शन देखोगे कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं जब हम उनको दिखाएंगे पासपोर्ट टाइप फोटो उनको लगेगा कि हम फोन से खींचने के लिए बोल रहे हैं लेकिन हम निकालेंगे पासपोर्ट टाइप फोटो दे ये आल नजिक गए दिखाने पर चला फोटो तिमी ध्यान दिन त ल देख यू सो फर्स्ट मेरा कार दे पता नहीं यार ये रहा ये भनेर गुम हो गया उसको फोटो दिखाउँछु यार ल गाइस सो दिस इज द फोटो है यहाँ ये रहा मेरा फोटो देन हाउ दे रिएक्ट प्लीज भिडियो भनेर ये कस्तो ह्यान्डसम मान्छे पनि यार हम त डिसाइड त केले आके प्रैंक के होने वाला है तो अब बारी आती है कि कौन पहले जाएगा मेरा दोस्त जाएगा अजीत या मैं जाऊंगा तो इसके लिए पहले हम पुराना जो प्रथा वाला गेम स्टोन पेपर सीजर उसे डिसाइड करेंगे गाइस क्या बोलते हैं ट्रांजिशन जो हारेगा वो जाएगा फर्स्ट रेडी स्टोन पेपर सीजर टेक वन जी हो गए रेडी टेक वन जी रेडी स्टोन पेपर सीजर डर लग रहा है यू कैन डू दिस गाइस लेट्स गो
एक्सक्यूज मी इफ यू डोंट माइंड कैन यू टेक फोटो सुन न एउटा फोटो खिच्दिनु न है मेरो कसले खिच्दिनु हुन्छ कसले राम्रो फोटो खिच्छ है यतातिर एन्टी लाइट पर्छ होला के अरे कताबाट आउनुभएको तपाईँहरू काठमाडौँ सहर पासपोर्ट छैन तपाईँले खोइ समात्नु त यो के रहेछ अरे अरे बहिनी फोटो खिचिदेऊ न किन हो र यस्तो यस्तो रुट किन हो र एउटा फोटो खिच्न पनि ब्रो खिचिदिनु त है फोटोलाई अझै ठिक छ है के हो यो फोटो त्यही त किन दिनुभयो भनेको नाइस म्युजियम एक्सक्युज मी इफ यु डोन्ट माइन्ड क्यान यु टेक माई फोटो प्लिज ओके So, here. कताबाट आउनुभएको तपाईँहरू बिरोटादेखि मेरो फोटो लिइदिनु न है हजुर धेरै महँगो त पर्दैन मेरो फोटो लिइदिनु न ल 5 रुपियाँको मेरो फोटो लिइदिनु भनेको होइन लिन्छु भनेको होइन त तपाईँले ए तपाईँले लागि खिच्ने होइन म त फोटो लिइदिनु भनेको अनि 5 रुपियाँको एउटा हो कि तपाईँले राम्रो होइन त अनि अनुहार अनि 5 रुपियाँ त हुन्छ होला नि होइन मैले आफ्नो ह्यान्डसम छु नि त मान्छे राम्रो लाग्छ कि मान्छे ह्यान्डसम छु नि त मान्छे अनि राम्रो लाग्छ कि मान्छेहरूले 5 रुपियाँ भए पनि किन्छ कि भनेर पाँच रुपियाँको हो राम्रो छैन र फोटो ए हजुरलाई फोनबाट फोटो खिच्ने जस्तो लाग्यो हजुरलाई ए फोटो लिइदिनु भनेको नि त मैले त म त लिइदिनु भन्दै थियो नि त तपाईँले लिन्छु भने नि त अनि सस्तै 5 रुपियाँमा त कति दिनुहुन्छ त्यति दिनु न त दसैँ तिहारको बेला 10 रुपियाँ भए नि हुन्छ मेरो म त काठमाडौँबाट आएको यता म्युजियम घुम्न हजुर फोटो बाटेको अनि मनपर्नेहरूले लिन्छ के अरे मन नपर्नेहरूले लिँदैन के फरक पर्दैन म त राम्रो लाग्यो लिनु के अरे Now, we're going to start a documentary show shortly. You are not interested. Excuse me. If you don't mind, can you take my photo? Sure. Yeah. Left. So guys, quality. Excuse me. Hi. Where are you from? From France. I'm from Nepal. Can you please take my photo? One photo. For you? Yeah. Can you please take my photo? So you take me? No. No, I take you. Yeah. No problem, no? Yeah, it's okay. Please hold this. Thank you so much. Ah!
what? For what? Just take my photo. Yeah, and then? Then you have taken my photo. Okay, keep it? Yeah, no problem, no? Yeah, okay, but why? Because this man is so handsome, look at him. ल गाइस कति ठुलो मान्छेहरूले गर्ने एक्चुअली बच्चाहरूले पनि ट्राई गरिदिउँ कस्तो हुन्छ जाँदो रहेछ ओ बाबु बाबु यता हो त यता हो न तिमीले इङ्ग्लिस बुझ्छ तिमीले इङ्ग्लिस बुझ्छ क्यान यु टेक वान फोटो अफ मी ओके हेलो थ्याङ्क यू एक्सक्युज मी सुन्नुहोस् न के हुन्छ अरे फोटो खिच लिइदिनुहुन्छ मेरो एउटा मात्रै भर्खरै आउनुभएको तपाईँहरू एउटा फोटो लिइदिनु है खिच्दिने अँ एउटा कि कसले कसले राम्रो खिच्छ टिकटक चलाएर जस्तो छ दुईजना मिस एउटाले राम्रो खिचिदिन्छ होला नि ए सरी है तिमीले खिच्छौ राम्रो के हो तिम्रो नाम भन्थे ए तपाईँ पो क्यामराम्यान भनेपछि बल्ला क्यामराम्यान आफै माग्नु भयो फोटो लिदिनु न त है एउटा मात्र लिनु ल थ्याङ्क यू सो मच सो मच के भएर मन परेन फोटो ह्यान्डसमै छ त मान्छे नलिने सो गाइज अपने प्रैंक करते करते एन्ड कब समय निकल गया पता नहीं चला एंड विथ माई फ्रेंड्स वैसे मेरा भी और मेरा फ्रेंड का भी पहला एक्सपीरियंस था कि प्रैंक किया हम लोगों ने वैसे अकेले में तो आर्ट भी नहीं आता क्योंकि फट तो रही थी ना बहुत फट रही थी डर लग रहा था यार बहुत फट रही थी तो क्या कर सकते हैं डर लग रहा था गाइस दोनों साथ थे इसलिए अपने डर को दूर रखे एंड डेफिनेटली फाइनली हमने कर दिखाया होपफुली आप लोगों को भी मजा आया होगा जितना मजा हमें आया साथ में यार भाई का चैनल आप पक्का विजिट करना ये बहुत बढ़िया वीडियो बनाता है एंड क्या नाम था चैनल का कैंसर रॉक्स या कैंसर रॉक्स नेपाल का कल्चर देखना चाहते हो या क्या बोलते हैं सिटी देखना चाहते हो तो शेयर कर दे अपने दोस्तों को कैंसर रॉक्स एंड फाइनली अपना जो प्रैंक वगैरह ख़त्म करके और ये अपने घर मैं अपने घर के लिए रवाना होऊंगा हो बहुत जल्द मुलाकात हो दोस्त मिलते फिर मिलते रहेंगे बाय सी यू सून कुछ चेक करना अपना कुछ छुटा होगा बात भी सर थे जिसने मतलब हमको याद दिलाया कि टिकट खरीदना भी है हम तो अपने 10 साल मिलने की खुशी में इतने वो हो गए थे कि उतावले के बिना टिकट काट के हम अंदर चले गए थे सो उन्होंने रिमाइंड किया तो हम वापस आ गए सो अच्छा लगा यहाँ का एक्सपीरियंस सो ब्रो कांसा रॉक्स बूम बूम ओके तो मैं ज़्यादा दूर आ गया तो यहाँ से दोबारा यू टर्न मारना पड़ेगा लग रहा है बिकॉज आगे कोई मुझे वेजिटेबल शॉप नजर नहीं आएगी क्योंकि यार कल दो बार आ चुका हूँ यार खाली आ जाऊँगा अच्छा नहीं लगेगा ना सो फाइनली सेब ले लिया है नाउ अब थोड़ा सा लग रहा है कि मतलब अपने वहाँ से सर से पत्थर किसने हटा दिया हो बिकॉज पहले मैं खाली आ जा रहा था चाय भी ला सके हो ओ सॉरी वाला चल कति दिन गरेन बूम बूम त्यहाँ ल हिजो चाहिँ खाली आइएको थियो हो राति लिन लिन ल गाइस यहाँतिर है खाना खाँदैछौँ हामी चाहिँ ल मिठो नमिठो भए पनि है या सबैजनालाई यो हाई हेलो नमस्ते सबैजनालाई म तपाईँको होस्ट अनि रकिङ ह्यान्डसम दोस्त अजित गुरुङ वेलकम ब्याक टु माई च्यानल कान्छा रक्स सबैजनालाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा एभ्री वान इज लुकिङ एट मी अनि सबै हाँसिरहेछ सो फर्स्ट अफ अल तपाईँहरूले उहाँ को हो भनेर इच्छुक भइरहेछ ल आज कान्छो रक्सँग को हिँड्दैछ भनेर है लास्ट सरम लाग्यो सरम लाग्यो सो गाइज है त्यही हो हत्तेरी कस्तो सरम लाग्ने सो त्यही हो गाइज ल गाइज बल्ल शान्त भयो खाली भयो त बल्ल झिक्न पर्दो रहेछ सो एभ्री वान सो है सो ल म्युजियमको भ्यू हल्का
ब्लगिङ गर्दैछ है साथी. सो दिस इज माइ माइक टेस्टिङ 1 2 3 4 मिलन मिलन 1 2 3 1 2 3 ल ल ल केटो जाँदैछ केटो जाँदैछ. सो दिस इज माइक टेस्टिङ 1 2 3 4 मिलन पाटा मिलन. What's up, Frank? Hello. We over there. Say hi. Okay, thank you. Okay, sorry. Hey, well, you're daddy, yo. Oh my God. Eta hi ta bhanjyo. Hi bhanjyo na, hi bhanjyo. Uta hi bhanjyo na camera ma. कस्तो डर लाग्यो मलाई त्यहाँ भिडियो हेर्नु न है टाइम भयो. थ्याङ्क यू सो मच गाइज. थ्याङ्क यू सर. सरी सरी फ्रेङ्क है डोन्ट गेट एनी से हाई हाई हेल्प दु हाई त हुन्थ्यो यता हाई त हुन्थ्यो. हेलो ल हेलो साथीहरू पनि हेरि त क्यामरा हेर्नु क्यामरा ऊ त क्यामराबाट खिच्दैछ क्या तपाईँले ऊ त भिडियो. हेलो गरिदिनु न त हेलो कहाँ हान्न लाग्यो दिदी नमस्ते. ल के भन्छ यत्तिकै जिस्किएको मैले राख्छु बुरु. हजुर यत्तिकै फोनको लागि हो तपाईँ युट्युबमा आउँछ है युट्युब चलाउनुहुन्छ कि हुन्न यो राख्नु. यहाँ युट्युब च्यानलको नाम हेर्नु त कान्छा रक भनेर लेखेको छ. यो सर्च गऱ्यो भने अब हाम्रो अन्तर्वादा आउँछ है त युट्युबमा. अनि त्यो 5 रुपियाँ दिँदा नि कस्तो पसिना निस्केको त नि हजुर. र दिदी धेरै धेरै धन्यवाद छ. बिरोट म पनि बिरोटाकै हो. हजुर मलाई चिन्नुहुन्न मेरो बुढी आमा र मेरो भिडियो एकदम भाइरल भएको थियो नि टिकटकमा. मेरो बुढी आमा र मेरो भिडियो. ल दिदी धेरै धेरै धन्यवाद. ल कताको दाइ त भाग्यो कि हौ दाइले त झन् दिदीले सपोर्ट गर्छ होला भनेको त कि भाग्दो रहेछ त दाइ त है. ल दिदी धन्यवाद. ल हाउ पिपल रियाक्ट नो प्रब्लम यु क्यान वाच दिस इन माई युट्युब च्यानल just over it's here on YouTube or something. Yeah, YouTube. Okay, so nice. where were you from by the way? South of France, Marseille. Oh, France, Marseille. Marseille football club. I know that. Marseille football club. Yeah. So how are you enjoying the time in Nepal? Yeah, I like it. How many days in Nepal? It's been 3 weeks already. 3 weeks already. My home is near by the way. My number is also there. If you need any help you can call me. Okay, all right, man. Okay, hope you're single. Yeah. Over here, not friends, with no, not alone, friends. No. Oh, then if some problem, just call me, you know? Yeah, say nothing. I'm very famous YouTuber in Nepal, okay? okay, thank you so much, brother. Appreciate it. Frank. Yeah, I'm Ratesa. Hello, Anna. Hello. Who are you? Hello. Okay, photo. I'll give you a chance. Here, no? Okay, I'm sorry. Hello, Gordon, how are you here? तपाईँहरू रिसाउनु भएको हो र यो भिडियो हेर्नु न त है युट्युब च्यानलमा नहेर्ने ल. थ्याङ्क यू सो मच भयो. प्रैंक त लाइफमा एन्ड वहाँ जाके पता नहीं सोचा था क्या बोलूंगा पर कुछ और बोल के आ गया. बेचारा अपना सेंडर से कंप्लीट भी नहीं कर पाया था उसको पहले पता था कि प्रैंक है बोल के. ओहो सो कैसा रहा एक्सपीरियंस फर्स्ट प्रैंक इन लाइफ. लास्ट शर्म लगता रहेछ यार ये यस्तो भन्छु भनेर गएको तर के भने थाहै भएन यार तिम्रो भन्नु त तिम्रो त भयो केटा एक्सपीरियंस राम्रो यार दुइटै त यक हैन र यक न चढे पनि यसो सिक्न आउँछ नि ल जो म्यूजियम पे विजिट है वो अच्छा हो रहा है चल रहा है एंड हम अपना प्रैंक के चक्कर में तो हम अपना जो मेन मकसद है वो भूल ही गए कि म्यूजियम का विजिट करना भी था. सो यू कैन सी गाइस प्रैंक के साथ साथ आप थोड़ा अपने ये नेपाली कल्चर को भी देख सकते हो इधर
ये हमारे बेसिकली जो नेपाल के जो पूर्वज वगैरह है एंड ये इनके जो ड्रेस टर्न आउट वगैरह है वो कैसे लोग पहनते हैं एंड व्हाट इज देयर हिस्ट्री यू कैन फाइंड ओवर हियर. सो अच्छा कोलैबोरेशन विदाउट अ प्लान था पर बेसिकली अच्छे जा रहे हैं ना. कैसा लग रहा है? दैट्स ग्रेट. सो गाइस लगभग अंदर के लोगों को पता चल गया कि हम प्रैंक आउट कैरी आउट कर रहे हैं. सो वी आर जस्ट प्लानिंग टू मूव आउटसाइड. सो अंदर के लोगों को पता चल गया कि हम प्रैंक कर रहे हैं. अब देखते बाहर के. ओहो अच्छा नहीं सर माचा. सो यू कैन सी म्यूजियम के बाहर दिस गोल्ड फिश के बन चले कैटफिश बट पर गोल्ड कलर है तो गोल्डन फिश होगा. गोल्ड फिश गोल्ड फिश. वाओ कस्तो दामी देखिएको यार गोल्ड फिश. दोस्त रमाइलो लाग्यो रहेछ नि है. यो म्यान यो बुम बाम ओए झण्डाहरु पनि छ दिदीको. यहाँ त लेखे छ ब्रिङ कोच ए दिस डोन्ट टच लेखे छ. छोड्नु चाहिँ नहुने भयो. अरे यस्तो हुन्छ नि के अरे झन् जो चिज नगर हुन्छ गरम नै भेज. बदमास भएर यस्तो दिदीलाई मैले काट्दैछु कान्छा रक्स त्यही हेर्नु न ल. दिदी रिसाउनु त भएन नि रमाइलो भयो कि एउटा होइन. ल धेरै धेरै धन्यवाद है. बाई बाई सो जो मेरा कांचा रॉक्स जो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है वो थोड़ा सा नेपाल में पॉपुलर यूट्यूबर है. सो ये थोड़ा सा स्वीट मीटअप. सो जो भी व्यूअर्स कांचा रॉक को पहचानते नहीं यू कैन गो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद द लव. इसी के साथ आज मैं अपनी वीडियो के एंड तक पहुंच गया एंड दोस व्यूअर वो न्यू टू माय चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन और कमेंट करने में कमी नहीं है. मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में. टिल देन बाय. धीरे धीरे धन्यवाद मेरे साथी को यूट्यूब चैनल.